एक साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध का अब तक कोई परिणाम निकलता नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जिससे मामला दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई, रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया है। रूस की सेना यूक्रेन के ऐतिहासिक शहर चेर्निहाइव पर यह हमला किया है। इस हमले की पुष्टि यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि चेर्निहाइव में एक केंद्रीय चौराहे पर रूसी मिसाइल के हमले में 7 लोग मारे गए और 129 घायल हो गए हैं। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रूसी हमले में घायल हुए लोगों में से 15 बच्चे और 15 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। जब यह हमला हुआ तब यूक्रेन के शहर में लोग धार्मिक अवकाश मनाने के लिए चर्च जा रहे थे। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अपनी एक पोस्ट में बताया, रूस ने चर्च जा रहे लोगों पर मिसाइल हमला किया जो चेर्निहाइव में शहर के बीचों बीच गिरी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस हमले ने यूक्रेन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का यह हमला यूक्रेन को पिछले हमलों का जवाब देने के लिए किया गया था। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के 15 ड्रोन मार गिराए थे। यूक्रेन की वायुसेना ने यह दावा किया था कि व्लादिमीर पुतिन की सैनिकों ने ईरान की शहीद ड्रोन से अटैक किया था। इस दौरान रूस द्वारा कुल 17 ड्रोन छोड़े गए थे जो अलग अलग इलाकों में तबाही मचाते। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के एक्सपो सेंटर पर यह हमले का दावा किया था, लेकिन इसके उलट रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन से हमले की कोशिश की गई लेकिन उसे मार गिराया गया है। रूस की तरफ से मॉस्को में हुए हमले की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया गया था। वहीं यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार एंटर गेराशेंको ने इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था। जंग के शुरुआती दौर में रूस का पलड़ा भारी रहता था, लेकिन वक्त के साथ जिस तरह से यूक्रेन को बाहरी मदद मिलती गई उसके तेवर में भी बदलाव नजर आता गया। अब यूक्रेन भी जंग में बराबर की टक्कर देता है। दोनों देशों के बीच लड़ाई में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में तेजी नजर आ रही है।